अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको क्रीमी फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी। तो क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें जिन सब तमाम चीज़ों की अज्जा की ज़रूरत है वो हमारे सामने है। जैसे ये मैंने जो है मिक्सचर बना लिया है क्रीम का और दही का, और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की, यानी ये मेरे पास थी ऑलपर्स की क्रीम थी जो मैंने इसमें हाफ ऐड की है, और इसमें मैंने दही डाला है, आधा किलो मैंने दही डाला है, और इसमें मैंने शुगर ऐड की है। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे जितनी आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी मेरा फल है ये मेरे पास गर्मा है, और ये साथ मैंने थोड़ी सी खजूरें ली हैं, और ये चीकू है, एप्पल एंड बनाना, और साथ में मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है। अब हम इन सब तमाम चीज़ों का जो है मिक्सचर बना लेंगे। हमने इसमें ऐड कर लिया जिस बाउल में हमने बनाना है, अपने जिस बर्तन में बनाना है हम उसमें अपनी सारी क्रीम और दही का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो हम ऐड कर देंगे, और हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे हिला लेंगे। मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया हुआ है, ऐसे तो पहले से फेंट के मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब मैं इसमें ये तमाम फल जो है वो ऐड कर दूँगी। ये तमाम फल जो है अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम फल ऐड कर लिए हमने। याद रहे फल काट के जो है फौरन से इसमें ऐड करेंगे, फल ब्लैक होने से पहले पता है फौरन से जो है वो एप्पल वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, हम इसको फौरन से जो है इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक ना होने। और बाकी इसके बाद जो है हमारे पास है गरमा और खजूर, ये भी हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास गरमा और खजूरें थी जो हमने ऐड कर ली इसमें। आप चाहें तो और भी फल बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस मुझे तो जो अच्छे लगते हैं मैंने वही बीच में ऐड किए हैं। इनको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे तमाम फल को। वैसे तो आप ये मिलाई के भी बना सकते हैं। याद रहे फल काट के जो है फौरन से इसमें ऐड करेंगे, फल ब्लैक होने से पहले पता है फौरन से जो है वो एप्पल वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, हम इसको फौरन से जो है इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक ना होने। और बाकी इसके बाद जो है हमारे पास है गरमा और खजूरें, ये भी हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास गरमा और खजूरें थी जो हमने ऐड कर ली इसमें। आप चाहें तो और भी फल बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस मुझे तो जो अच्छे लगते हैं मैंने वही बीच में ऐड किए हैं। इनको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे तमाम फल को। वैसे तो आप ये मिलाई के भी बना सकते हैं, दूध की मिलाई की भी आप क्रीम चाट बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो इस क्रीम की ज़्यादा पसंद है तो मैं आपको इसकी बता रही हूँ। वरना आप क्रीम की जगह आप मिलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है दही का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे अपना ये जो हमारा फ्रूट कॉकटेल है, यह हम ऐड करेंगे। सारा ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जितना आप चाहते हैं। मैंने मिक्स फ्रूट का लिया है, अब हम इसको अच्छे से बीच में मिक्स कर लेंगे। सही से ऐड करेंगे, सही से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से मैसी डाल लेंगे।
मिक्सचर मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये अब आपके सामने मज़ेदार फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट आपके सामने तैयार है। तो ये अब आपको, उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब मैं अपनी मिलूंगी आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।